वो है मसाला मैगी। इसमें खूब सारी वेजिटेबल्स डालेंगे जिससे खूब न्यूट्रिशियस और कलरफुल हो जाएगी और इससे हमको थोड़ी सी मम्मी की डांट कम पड़ेगी। अब मम्मी ये नहीं कहेंगी कि हम सिर्फ जंक फूड ही खा रहे हैं, हम इसके साथ कुछ वेजिटेबल्स तो खा ही रहे हैं ना। तो चलिए अब हम अपनी यम्मी यम्मी रेसिपी शुरू करते हैं। अपनी रेसिपी के लिए मैंने यहाँ पे 1 brick ऑफ मैगी ली है और उसके साथ ही टेस्ट मेकर भी। यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स भी मैंने लिए हैं, ये सब ऑप्शनल है, आप चाहें तो इनको डाल भी सकते हैं, नहीं तो आप इनको टोमेटो और अनियन के साथ भी बना सकते हैं। So let's start our recipe. अब मैं अपनी मैगी को बॉईल कर लूंगी। 1 brick मैगी के लिए मैंने 1 glass वाटर ले लिया है। मैगी को हाफ बॉईल करेंगे, हम इसको खड़ी खड़ी रखेंगे। हमारी मैगी लगभग 5 minutes में बॉईल हो जाएगी। हमारी मैगी हाफ कुक हो गई है, अब हम इसके पानी को ड्रेन कर लेंगे। 1 spoon बटर, 9 जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 medium sized onion, 1 green chili, 1 medium sized capsicum and then 1 tomato. अब इसको अच्छे से चलाइए। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए कुक होने के लिए रख देंगे। हमारी वेजिटेबल्स बॉईल हो गई हैं, अब हम इनमें अपने सारे मसाले डाल देंगे। फर्स्ट टेस्ट मेकर, देन सॉल्ट, आप ही अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, रेड चिली, कोरिएंडर पाउडर 1/2 spoon, गरम मसाला 1/4 spoon, नाउ मिक्स इट वेल। नाउ वी विल ऐड 2 tablespoon सॉस। हमारी ग्रेवी रेडी हो गई है, तो चलिए अब हम इसमें अपनी मैगी ऐड कर देते हैं। इसमें हम थोड़ी सी देगी मिर्च डाल देंगे, इससे हमारी मैगी में बहुत सुंदर सा कलर आ जाएगा। देखिए हमारी मैगी कितनी सुंदर और कलरफुल बनी है, और पता है इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या आप भी इसको सूंघ पाते हैं। अब हमारी मैगी रेडी है, तो अब हम इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं।
थोड़ा सा कोरिएंडर। सो फ्रेंड्स देखिए आ मसाला मैगी इज रेडी। ये रेसिपी एनी टाइम रेसिपी होती है, ये इतनी अट्रैक्टिव और टेस्टी होती है कि आप इसको बर्थडे पार्टी पे भी सर्व कर सकते हैं। जल्दी से खाना है तो चलिए अब आप भी मुझको जल्दी से लाइक और शेयर।